द सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा ने सोयाबीन वायदा कारोबार शुरू करने की मांग के खिलाफ खड़ा हो गया है। सोपा ने सेबी को पत्र लिखकर वायदा से सोयाबीन को बाहर रखने की वकालत की है। दिसंबर 2021 से वायदा कारोबार से सोयाबीन बाहर है। दरअसल इस साल सोयाबीन की नई फसल आने के बाद एक बार फिर सोयाबीन वायदा शुरू करने की सुगबुहाट नजर आ रही है। बीते दिनों कुछ कारोबारी संगठनों ने इस बारे में मांग भी उठाई थी। दरअसल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन यानी सी ने बीते दिनों सोयाबीन तेल का वायदा कारोबार शुरू करने की मांग उठाई थी। इस बीच बाजार में सोयाबीन के दाम मौजूदा समय से 5400 से 5700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बने हुए हैं। तमाम ट्रेडर्स भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतें बढ़ाने और किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए सोयाबीन वायदा शुरू किया जाना चाहिए। इधर सोपा ने अब इसके खिलाफ पत्र लिख दिया है। सोपा के डायरेक्टर डी एन पाठक का कहना है कि सर सिर्फ सट्टेबाज ही चाहते हैं कि सोयाबीन वायदा फिर से शुरू हो। दरअसल सोयाबीन वायदा शुरू होने से किसी को लाभ नहीं होगा, सिर्फ सट्टेबाज ही फायदा उठाएंगे। सोपा ने कहा है कि अगर सोयाबीन वायदा फिर शुरू होता है तो सॉल्वेंट उद्योग और तेल उद्योग के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इन उद्योगों को उचित दाम पर कच्चा माल यानी सोयाबीन नहीं मिल सकेगा। बीते 1.5 वर्षों में सोया तेल उद्योग ऐसी परेशानी का सामना कर चुका है, ऐसे में उद्योग बंद ही हो रहे हैं। दूसरी ओर तेल बाजार पर नजर डाले तो मलेशिया में दिसंबर के लिए पाम तेल निर्यात टैक्स को 8% पर स्थिर रखा है। हालांकि दिसंबर का संदर्भ मूल्य 271.44 रिंगिट प्रति टन बढ़ गया है। सीबोट और अर्जेंटीना एफओबी में बिकवाली के दबाव में कमजोर रहा। दरअसल लैंडिंग कॉस्ट कमजोर होने और कांडला में आगे के कॉन्ट्रैक्ट हाजिर भाव से काफी नीचे जाने के कारण भारतीय बाजार में भी सोया तेल पर दबाव रहा। उधर इंदौर में सोया तेल में वैसे भी ऊंचे दामों पर ग्राहकी का सपोर्ट न होने के कारण भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 1300 से 1305 रुपए प्रति 10 किलो पर रह गए। आईटीसी के मुताबिक 1 से 30 नवंबर के बीच मलेशिया पाम तेल का एक्सपोर्ट 1 से 30 अक्टूबर के मुकाबले 5.6% ज्यादा हुआ है। वहीं सोपा के मुताबिक 1 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया पाम तेल का उत्पादन 1 से 25 अक्टूबर के मुकाबले 4.84% कम दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।